तो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो की शुरुआत हो रही है कुछ इस तरह से हो रही है। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैं डीमार्ट जाने वाली थी रोज़ा रह के, मेरी हो गई हालत ख़राब तो मैं गिरने ही वाली थी, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। जाएंगे जाएंगे अभी हम लोग जा रहे हैं, कुछ भी बात करने नहीं होता है। हाँ तो अभी हम लोग जा रहे हैं फाइनली डीमार्ट के लिए गाइस। तो चलिए अभी हम लोग चलते हैं डी मार्ट गाइस, डी मार्ट जाके आज इनके साथ ही जा रही हूँ मैं डी मार्ट। चुप हो, बात कर रही हूँ मैं इधर बेटा। तो आज हम लोग जा रहे हैं इनके साथ ही डी मार्ट, तो ये रेडी हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग डी मार्ट जाते हैं। आज मैं सोच रही हूँ वहाँ से ही ईद के लिए ले लूँ बेड कवर करके, बेड कवर और सोफ़ा कवर उधर से ही मुझे अच्छा लगता है, तो वहाँ पे ही मैं ले लूँगी अभी। तो जो भी लाऊँगी वो ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम लोग चलते हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं डी मार्ट और तो ये व्लॉग रहेगा कंटिन्यू। तो मैं जाके आके वीडियो बनाती हूँ, देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कितना हो सके आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। चलिए देखते हैं हम कैसे हमें मिलेगा आज बेड कवर, सोफा कवर कैसे मिलता है करके चेक करेंगे। अच्छा लगा तो मैं ज़रूर ले लूँगी अभी, क्योंकि ईद को सिर्फ अभी 10 ही दिन बाकी हैं। पता नहीं अभी मेरा भी आउटफिट अभी तक नहीं मिला है, बच्चों का भी हमने शॉपिंग नहीं की है, पता नहीं कब जाएंगे। ये जा रहे हैं कल का, तो 2 दिन के बाद आ रहे, तो 2 दिन के बाद ही हमें जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी बातें कम करते हैं, चलिए आपको मैं लेके चलती हूँ हमारे डी मार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें जो हस्बैंड थे अब्राम को रेडी कर रहे थे गाइस, तो इनको मैंने दे दिया था, आज था संडे गाइस, तो ये जल्दी आ गए थे, थोड़ा काम पे गए थे, तो ये जो रेडी करने का काम रहता है तो इनका ही रहता है, तो अब्राम को ये रेडी कर रहे थे। तो हम सोच रहे हैं अभी बज रहे थे अराउंड 7:30 कुछ बज रहे थे गाइस, तो अभी हम चलते हैं डी मार्ट करके। तो हमारा कल जाने का प्लान था, कल हम क्यों नहीं जा रहे आपको आज पता चलेगा। तो आज हम लोग अभी देखिए अभी हम लोग आ गए ये घर। चल अब्राम चल चल है, हूँ हूँ मैं नहीं यहाँ पे ना तो बहुत ही क्राउड था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा सा शूट कर लिया आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यहाँ जो देखने वाले रहते हैं, तो यहाँ पे स्टाफ सब कुछ बिजी थे डी मार्ट के, तो थोड़ा थोड़ा मैंने कैप्चर कर लिया है, नहीं तो अदरवाइज वो लोग देख रहे हैं तो बिल्कुल भी वीडियो बनाने नहीं देते। ये हमारे घर के नियर बाय डी मार्ट है, बहुत ही अच्छे रहते हैं, यहाँ पे रिजनेबल प्राइस के रहते हैं। तो मैंने यहाँ से दो वाले सेरेमिक के प्लेट्स लिए हैं गाइस, तो बहुत ही अच्छे हैं, मैं जो घर जाके आपसे बिल्कुल शेयर करूँगी। तो यहाँ स्टाफ सब कुछ थोड़े थोड़े दूर में थे इसीलिए मैं वीडियो बना पाई, अदरवाइज़ यहाँ पे वीडियो स्ट्रिक्टली अवॉइड है, तो स्ट्रिक्टली वीडियो नहीं बना सकते हम। आपने मेरे प्रीवियस डी मार्ट के व्लॉग में देखा होगा, तो वहाँ के ऑल ओवर जो बैंगलोर के डी मार्ट हैं बहुत दूर, बसनगुड़ी, बहुत जगह का मुझे नेम नहीं पता है। तो मैं प्रीवियसली मेरे जो व्लॉग में मैंने शेयर किया है वहाँ तो स्ट्रिक्टली इतने स्टाफ रहते हैं, आपके पीछे स्टाफ रहते हैं, ये हमारा डी मार्ट में उतने स्टाफ नहीं थे। तो मैंने यहाँ पे कलेक्शन जो है मैंने कैप्चर कर लिया। यहाँ देखिए आपका वुड का देखिए जो चॉपर है वो भी यहाँ पे अपने अच्छे से आया था स्टॉक वगैरह, और मुझे ये वाला जो हॉट बॉक्स था बहुत ही अच्छा लगा, और यहाँ प्लास्टिक के कंटेनर बहुत ही स्टॉक जो है बहुत ही अच्छा आया था ये बार डी मार्ट में। तो हर बार ही डी मार्ट का जो माल है उसका कुछ भी हम कंपैरिजन नहीं कर सकते, डी मार्ट में A1 क्वालिटी का रहता है, बहुत ही अच्छे रहते हैं। तो यहाँ से हस्बैंड ने बहुत सारे शर्ट लिए अपने लिए, तो मैंने भी यहाँ से थोड़े बहुत बच्चों के लिए टी शर्ट, सिर्फ थोड़े नॉर्मल टी शर्ट, तो हम लोग लेके घर आ गए गाइस। ये था ऑफिस के लिए लिए थे वॉशरूम के पास डालने के लिए, और ये ब्लू वाला मैंने घर के लिए लिया था, और ये जो ग्रोसरी है मैं आपसे कल शेयर करूँगी। और यहाँ देख सकते हैं आप शर्ट वगैरह मेरे हस्बैंड ने लिया था, उनके लिए लिया था। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने पापा के लिए यहाँ से नाइट पैंट लिया था दो, और दो आके शर्ट लिया है पापा के लिए। तो कल जा रहे हैं हम मम्मी पापा के घर, तो पापा को ये मैं दे दूँगी करके, तो पापा के लिए मैंने ये जो अच्छा लगा था मुझे
वाला दो कलर, तो इसीलिए मैंने पापा के लिए ये वाला लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मुझे एक मैंने एक बेड कवर लिया है गाइस। ये बेड कवर का मैं क्या करूँगी DIY, क्या नहीं करूँगी आगे आपको पता चलेगा। तो ये रहा नेक्स्ट डे का व्लॉग गाइस। नेक्स्ट डे तो हम लोग लेट आए थे डीमार्ट से रात को, तो मैंने पूरा सामान जो था डीमार्ट का ऐसे ही रख के हम लोग सो गए थे। मुझे कुकिंग करना था तो मैं मॉर्निंग में नाश्ता सब कुछ बच्चों को बना दी थी। तो बच्चों को बना के यहाँ जो मैंने ड्रेसेस वगैरह हस्बैंड के जो ड्रेस थे और ब्लैंकेट से वो वगैरह थे वो सब कुछ हमने उठा के रख दिया, मैट वगैरह, सॉरी ब्लैंकेट नहीं। तो यहाँ आप देख ही सकते हैं जो भी मैंने राशन लाया था, जो भी ग्रोसरी वगैरह को मुझे रीफ़िल करना था गाइस, तो मुझे रीफ़िल करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला क्योंकि मम्मी पापा का फ़ोन आ रहा था। मम्मी डांट रही थी तुम जल्दी आ जाओ करके। सभी बहन हमारे चले गए हैं मम्मी के घर, एक मैं ही लौटती बची हूँ, यहाँ घर में बैठी हूँ, तो मम्मी डांट रही थी जल्दी आओ करके। तो मुझे जल्दी जाना था गाइस, अभी बज रहे थे 12 o'clock। तो मैं यहाँ सोच रही थी जो भी सामान है उसको उठा के मैं एक कंटेनर में, जो भी हमारा जो स्टोरेज कंटेनर रहता है मैं उसमें डाल के रख दूँगी। वहाँ से आने के बाद जो है ग्लास के बॉक्स में मैं रिफ़िल करूँगी डेली के लिए। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी जो भी मैंने बेड कवर वगैरह लिया था, तो मैंने उनको सेपरेट उठा के रख दिया। जो भी ये जो किचन के आइटम को मैंने यहाँ पे रख दिया है, तो इसमें जो स्टोरेज बॉक्स है मैंने आपसे प्रीवियस व्लॉग में शेयर किया था, तो ये जो बॉक्स का रिव्यू भी मैंने शेयर किया था बहुत ही अच्छा है स्टोरेज बॉक्स। आप लेना चाहते हैं तो आप वो जो मेरा वीडियो है चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं तो मैंने ये स्टोरेज बॉक्स में जो भी थे हमारे जो राशन वगैरह और जैसे कि ऑयल हो गया, आलमंड हो गया, सब कुछ भी मैं यहाँ पर रख दे रही थी, ऐसे ही उठा के रख दे रही थी क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं था। अभी मुझे पैकिंग भी करनी है, अब्राम को भी नहलाना धुलाना है, थोड़े बहुत घर के काम है गाइस, बर्तन है, बर्तन को सब कुछ वॉश करके मुझे मम्मी के घर जाना है। आज हम लोग जाके आज उधर ही रह जाएंगे, सहरी भी इफ्तारी भी उधर ही है, हम उधर ही रह के नेक्स्ट दिन आने का हमारा प्लान है गाइस। नेक्स्ट और दो दिन रह के आने का प्लान है। तो पापा की क्यों जा रहे हैं पता है, पापा की रिसेंटली में तबीयत ख़राब हो गई थी, तो मैंने आपको 20th रोज़े में कुछ पापा की ही तबीयत ख़राब हो गई थी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। तो अभी मैं यहाँ से सिरेमिक के जो प्लेट्स दो लाए थी ये मुझे अच्छे लगे, जैसे कि ग्रीन इसमें टेक्सचर आया था बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो मैंने इनको धो को लेके आई थी, सिर्फ धो को ही। उसके बाद जो ये बेड कवर था ये वाला था, और ये एंटीबॉडी बर का जो भी मैंने सूप वगैरह लाया था वो था गाइस। तो यहाँ सब कुछ भी हम रखते कि अभी मैं जाती हूँ फ्रेश अप होने के लिए। फ्रेश होने के बाद कुछ इस तरह से मेरा जो मैं रेडी होके आ गई थी, और रेडी होके आने के बाद जो भी जो हम लोग कपड़े वगैरह था मैं सब कुछ भी पैकिंग वॉकिंग कर रही थी। यहाँ हमें 1 day या 2 days के लिए जो भी पैकिंग वगैरह था मैं वो यहाँ पर कर रही थी। पैकिंग करके हम लोग चलते हैं मम्मी के घर करके गाइस। तो ऑलरेडी बहुत ही लेट हो रहा था, तो इसलिए ये जो व्लॉग है आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। इसके आगे का जो है आप देखेंगे नेक्स्ट व्लॉग में मेरे। तो ऑटो आ गया था हमारा, तो ऑटो में हम लोग बैठ के मेरी मम्मी के घर जा रहे हैं गाइस। तो आपको ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा। अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपको मिलती हूँ अगली व्लॉग में। ये व्लॉग रहेगा टू बी कंटिन्यू, इसके बाद का जो भी रहेगा आपको दिखेगा हमारे नेक्स्ट व्लॉग में गाइस। तो मैं मिलती हूँ आपको मम्मी के घर। बाय बाय।